वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा सभी? ओके बेटा, हाँ जी बेटा, कल के क्वेश्चन आंसर कर लिया आप सभी ने फेयर नोटबुक में? दुष्यंत दिखाएगा नोटबुक। दुष्यंत और लक्षिता दोनों नोटबुक दिखाओ अपनी, फिर काम शुरू करते हैं। नैना, न्यू एडमिशन नैना बेटा, बेटा वीडियो ऑन करो, अपनी कैमरा ऑन करो, सामने आना एक बार। कैसे हो बेटा? फैमिली में सब ठीक है? ओके बेटा, चलो आज आपका फर्स्ट डे है, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके बेटा, लक्षिता बेटा सुनाई नहीं दिया? लक्षिता, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, आप लक्षिता जवाब नहीं देते हो। अभी आपने कल वाला काम कर लिया लक्षिता? अभी ओके। दुष्यंत, कल वाली, कल वाले क्वेश्चन आंसर। नहीं नहीं हुई दिखी मुझे, दोबारा करो। बेटा अभी बाकी इतने बच्चे सभी अपनी, जिन बच्चों के पास बुक है भारत की खोज, भारत की खोज बुक अपने पास रखिए बेटा, जो इस मंथ। अभी दुष्यंत, दुष्यंत नहीं दिखा रहा। नमन बेटा आपकी बात होगी जागृति मैम से? ये एक मिनट रुको, देखती हूँ मैं। दिखाओ दुष्यंत अभी। हाँ हाँ देख रही हूँ, दुष्यंत खोलो। हाँ शाबाश, वेरी गुड बेटा दुष्यंत। हाँ दिखाओ पीयूष जल्दी से, बस दुष्यंत। ओके बेटा, जल्दी दिखाओ पीयूष बेटा, काम शुरू करें अगला। हाँ दिखाओ लास्ट क्वेश्चन, डाकिया वाला। ठीक है चलो, ठीक है ओके। अभी बेटा बुक है आपके पास भारत की खोज, पारस, ये पारस बच्चा, पारस। हाँ बेटा अपना, हाँ अपनी वीडियो ऑन करो।
करो करो वीडियो ऑन करो पारस। तनिष्क चलिए बेटा, सभी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चलिए, हाँ जी, मैं किसी भी बच्चे से पढ़वा सकती हूँ चैप्टर। अभी मैं खुद रीडिंग लगा रही हूँ, चैप्टर थर्ड। गुड मॉर्निंग, चैप्टर थर्ड, भारत की खोज बुक। यस बेटा, अच्छा, हाँ सर, सेकंड चैप्टर ही शुरू करना है बेटा। सॉरी, थर्ड बोल दिया, सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर बेटा, सेकंड चैप्टर, तलाश। चैप्टर का नाम है तलाश। ठीक है बेटा, अभी ये बताइए मेरे को, जवाब दीजिए, जो हमारी ये बुक है भारत की खोज, इसके लेखक कौन है? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, इसमें जो भी चैप्टर है, किसी भी चैप्टर के अलग अलग राइटर नहीं है बेटा, ये पूरी बुक ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, आदेश। देखिए, बुक रीडिंग लगा रही हूं मैं। तलाश, तलाश चैप्टर है, उसमें आपका एक पैरा वो दिया हुआ है, टॉपिक भारत के अतीत की झांकी। अतीत क्या होता है बेटा? जो समय बीत गया है वो, यानी कि जो हमारा भारत का जो समय बीत गया है, उसकी कुछ झांकियां, यानी कि उसके कुछ पहलू वो हम पढ़ रहे हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर, ये मैं कौन है बेटा? ओके बेटा, मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश, क्या हुआ पीयूष बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या देखिए बेटा, याद करने की कोशिश कर, विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। यानी कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो भारत के पिछली बातों को याद कर रहे हैं और वर्तमान समय में वो हैं, तो वो दोनों का विश्लेषण करते हैं कि मैं पहले वाले भारत को सोचकर मेरे विचार कैसे हैं और अब वाले भारत को सोचकर मेरे विचार कैसे हैं। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी शक्ति, प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है?
ये बेटा जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जो भारत हमारा पहले जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उस समय उसकी बातों को याद करता है। और इस समय जो है भारत हमारा, जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे थे, हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेजों के अधीन था, तो इस समय और पहले वाले भारत की वह तुलना करता है और सोचता है कि भारत के पास अब भी कुछ शक्तियां हैं, अब भी कुछ जन धन बचा है भारत के पास, जिसके बिहाफ पर वो जो है अपने आप को शक्तिशाली साबित कर सके। इन्हीं बातों का असमंजस क्या होता है बेटा, जैसे कि करें या ना करें की स्थिति होती है, कि हम खेलें या पढ़ें, ये दो बातें जब हमें पजल करती है तो ये स्थिति होती है हमारी असमंजस की। तो ऐसे ही भारत की पहले वाली स्थिति और भारत की अब वाली स्थिति को देखकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति जो है असमंजस में है, और उनके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद उससे मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, ना पसंद करता था। एक हद तक मैं उस पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचता था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। शंकाएं क्या होती है बेटा? डाउट होते हैं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर है क्या? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में बेटा बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, हमारे पुराने भारत को लेकर और वर्तमान भारत को लेकर। तो उन्हीं सवालों का जवाब वो है ढूंढने में लगे हुए थे, चाहे वो अपने अंतर्मन से पूछे, चाहे भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर उन प्रश्नों का उत्तर पता लगाए। इस तरह की स्थिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनी हुई थी। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। कहाँ पर खड़े थे? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के एक टीले। टीला क्या होता है? कौन बताएगा? रेत के छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं मिट्टी के, वो होते हैं टीले। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिस समय 5,000 वर्ष पहले बताया जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी बताया गया है? ये लाइन अंडरलाइन करेंगे बेटा, 5,000 वर्ष। ठीक है, साथ ही यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो क्या थी? एक विकसित सभ्यता थी और पुरानी थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन था। ठेठ का मतलब होता है बेटा पूरी तरह से, ठीक है, ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। अब ये जो 5,000 वर्ष पुरानी जो हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, वो मतलब कि उनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन के बाद भी वो बनी रहे इतनी पुरानी, तो ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भू मध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट का संपर्क रहा है। इस लाइन का मतलब है बेटा कि वो दोनों, जिनके भी बारे में अभी ये लाइन आई है, वो दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे हैं। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, जो हमारा भारत देश है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो है प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है?
मैंने भारत का इतिहास और उसके प्राचीन विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। अब उन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन के साथ यात्रा की कि चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए हुए यात्रियों के साथ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यात्रा की और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों को साहित्य और बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। कि वो पहले तो समतल भूमि पर घूम रहे थे, फिर पहाड़ पर गए, तो इन सभी जगहों ने इन सभी जगहों ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी ओर जो है आकर्षित कर लिया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। देखो बेटा, दो वर्ड है, इंडस और सिंधु। क्या है? एक है इंडस, एक है सिंधु। ये बेटा दो नदियां ही हैं, नदियों के ही नाम है ये। तो इंडस से तो इंडिया और सिंधु से हिंदू, ये नाम निकल कर आए। इन्हीं नामों के आधार पर जो है हमारे भारत को इंडिया या हिंदुस्तान का नाम जो है दिया गया। क्लियर बेटा? इंडिया और हिंदुस्तान जिसे पार करके हजारों वर्ष से यहाँ जातियों और कबीले, काफिले और फौजी आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई। ब्रह्मपुत्र क्या है बेटा? नदी ही है एक, ठीक है, कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित है, इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद क्या होती है बेटा? संख्या, तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। बेटा, जो ये चैप्टर रीडिंग मैं लगा रही हूँ, ये पूरी भारत के बारे में जानकारी है बेटा, पूरी बुक। जहां पर थोड़ा थोड़ा समझाने का है वहां मैं समझाती जाऊंगी, ठीक है। बस इसमें लिखा हुआ है वो भारत के बारे में, हमारी पूरी हिस्ट्री है इसमें भारत के बारे में। कौन, कहाँ, कब, किसने, कैसे आए, कैसे गए, किसके साथ उन्होंने तालमेल किया, ये सब इस चैप्टर में है, मतलब कि इस बुक में है। ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं इस बुक में। ओके बेटा, जब आप इसके मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर मैं एक एक नंबर के ही करवाती हूँ, एक एक लाइन के ही। उनसे आपको मतलब कि पता चल जाएगा भारत में किसका नाम क्या है, कौन कहाँ से आया, वो सभी क्वेश्चन आंसर से आपको ये चैप्टर जो है क्लियर भी होता जाएगा। क्लियर? देखिए बेटा आगे, मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों की भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था।
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो भारत के विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर जो है, पहले जहां पर भी हम घूमने जाते हैं बेटा, जैसे अभी हम आगरा गए तो आगरा में आपको ताजमहल गए तो ताजमहल से जुड़ी पुरानी बातें आपको पता लगती है, वहां पर लिखी भी होती है, वहां पर जो गाइड होते हैं, गाइड करने वाले, वो भी बताते हैं। तो हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो उस जगह से रिलेटेड हमें उस जगह की पुरानी बातें सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलती है। तो ऐसे ही भारत के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जानकारी एकत्रित करते हुए बहुत सारे स्थानों पर घूम रहे थे। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, अब अपने शहर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे? इलाहाबाद के, ठीक है, इलाहाबाद में, या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। अब ये कुंभ का स्नान कहाँ पर होता है बेटा? ये आ गया ना वन वर्ड, एक नंबर के क्वेश्चन का आंसर कहाँ होता है बताइए? हरिद्वार में। पढ़ नहीं रहे हो बेटा? हाँ, हरिद्वार में। आगे देखिए, स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूं और देखता हूं कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय में ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है, हैरत मतलब हैरानी, आश्चर्य होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे, दौरों, दौरों कौन से दौरे, जो किसी व्यक्ति को दौरे आ जाते हैं वो नहीं, दौरे पर जाते हैं ना, ये यात्रा का एक छोटा रूप होता है। जैसे यात्रा तो हमारी लंबी भी हो सकती है, पास पास कहीं जाना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना जाकर, वो होता है दौरा, ठीक है बेटा। मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि थी, मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई को बोध भर है बेटा। अभी बताया बेटा, दौरे यानी कि किसी भी जगह पर जाकर वहां का मतलब कि वहां की जानकारियां लेना, वो दौरा होता है, ठीक है, जाना ही दौरा होता है। जैसे यात्रा क्या होती है, कहीं पर जाना ही तो यात्रा होती है, ऐसे ही कहीं आसपास जाकर किसी जगह का जानकारी इकट्ठी करना, उसको हम दौरा के नाम देते हैं। क्या हुआ दीपिका, माइक ऑफ करो बेटा। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी, और इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देता था। अब बनारस सारनाथ एक जगह है, सारनाथ बनारस के सारनाथ में बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ, पाषाण क्या होते हैं बेटा, कोई बताएगा? पाषाण, पाषाण बेटा पत्थर का पर्यायवाची है, पाषाण होते हैं पत्थर, ठीक है। पाषाण स्तंभ, स्तंभ क्या होते हैं, जो खंबे से होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते, थोड़े मोटे से और थोड़े लंबाई में कम होते हैं वो स्तंभ, तो पत्थर के स्तंभ यानी कि, जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट के महान था। फारसी
फतेहपुरी सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद करता रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे सामने खुलती जा रही थी, मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। अब ये बेटा आपका थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, और अभी 2-3 मिनट और बचे हैं ये। चलो यहाँ अगला और रीड कर देती हूँ। भारत की शक्ति और सीमा, यानी कि भारत के पास जो है कितनी पावर थी और उन पर कितनी सीमाएं लगी हुई थी, वो और इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप के जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। यानी कि भारत जो है किसके तकनीकी प्रगति, यानी कि जो टेक्निक होती है उसके से रिलेटेड जो है भारत यूरोप से जो है आगे निकल गया, यानी कि भारत जो है यूरोप से आगे निकल गया, तरक्की करने लगा किसमें, तकनीक प्रगति के मामले में। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसला मंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार प्रगति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, जहां शब्दांबर से लैस भाष्यकार उनकी जगह लेता दिखाई देने लगता है, भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। अब बेटा जो पहले की दीवारों पर जो पत्थरों की दीवारों पर जो कारीगरी वगैरह करते थे ना, या पत्थर पे ही बना देते थे या पत्थरों पर किसी और चीज से बनाते थे, उस बारे में ये सब दिया हुआ है कि चित्रकारी नक्काशी वगैरह किस तरह पहले जो है के मकानों में भवनों में जो है मिलती थी, उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली। क्षीण मतलब खत्म हो चली, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और अतीत की आंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह इस तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा और वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। यानी कि कुछ हमारे भारत देश में बेकार की रूढ़िवादिताओं ने जन्म ले लिया, जिसके कारण हमारे भारत की जो प्रगति अब इस समय, जब ये चैप्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे थे, इस समय जो है कुछ समय के लिए हमारे भारत की प्रगति जो है रुक गई थी और बाकी जो विश्व के दूसरे हिस्से थे वो प्रगति के रास्ते पर बढ़ते गए थे। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः
सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर हो रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसाश शेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता, इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसके अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिनको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जिस तरह का माहौल हमारे भारत में होता रहा, हमारे भारत के लोग जो है उसी स्थिति में ढलकर जो है भारत के साथ तालमेल करते हुए भारत को प्रगति के रास्ते की ओर जो है बढ़ाते रहे। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई, ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। ठीक है बेटा, ये आपका पेज नंबर 8 के हाफ तक आज हमने पढ़ लिया है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड चैप्टर के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो कल आप क्लास में पूछ लेना। अभी किसी की और कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो पिछले किसी काम की। हाँ बोलो नमन। हाँ बेटा बेटा, पच्चीकारी दीवारों पर जैसे कलर वगैरह करना उसको बोलते हैं, नक्काशी तो चित्र बनाना होता है, पच्चीकारी कलर वगैरह करना होता है दीवारों पर। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो आप क्लास लीव कर सकते हो बेटा। बाय एवरीवन। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब पहले के विचारों में कुछ नया जोड़कर उनको लागू करना। ठीक है, बाय बेटा। बाय बेटा। बेटा सभी घर पर रहना, घर से बाहर कम से कम निकलना। ओके चलिए बेटा, क्लास लीव कीजिए सभी बच्चे। पलक, मयंक, क्लास लीव करो बेटा। मयंक